देखिए, हमारी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो एग्रीमेंट है ऑन एजुकेशन, ऑन द नॉलेज एंड द वोकेशनल स्किल्स, ये सिर्फ कैंपस खोलने तक सीमित नहीं है। जैसे अभी बिट्स पिलाने के बारे में आदरणीय मंत्री जी ने उल्लेख किया, अभी थोड़े देर पहले क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और आईआईटी दिल्ली, इन दोनों के बीच में एक एमओयू का रिन्यू किया गया, जिसमें डीप टेक रिसर्च पीएचडी उसके ऊपर म्यूचुअली एग्रीमेंट हुआ। मैं कल भी कहा तो आज भी उसको रिपीट कर रहा हूं, भारत में अभी तक 25 से ज्यादा रेपुटेड यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर से चलने वाले अच्छे संस्थान, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड सम रिसर्च बॉडीज, इनकी ऑलरेडी स्टूडेंट सेंट्रिक टाइप ऑस्ट्रेलिया के साथ है। दूसरा, जैसे अभी हमने आपके सामने रखा, कुछ बहनों को ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया ने भेजा है भारत में स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग में ट्रेंड होने के लिए। आने वाले दिनों में मल्टीलेयर, अभी भारत की ज्ञान परंपरा आई की इंडिया नॉलेज सिस्टम, भारत की एआई मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, ये सारे इलाके में भारत में जो अनफोल्ड हो रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया हमारी, जिसे मंत्री जी ने कहा डुअल डिग्री, ट्विनिंग ऑफ द डिग्री, एक होलिस्टिक पैकेज इमर्ज कर रहा है। ओपनिंग ऑफ कैंपस इज वन ऑफ द इंटर गेम प्लान, इंटर स्ट्रेटेजी। इसलिए आने वाले दिनों में ये तो शुरुआत है, कल मंत्री जी ने कहा भी है, दिस इज जस्ट बिगिनिंग, लट मोर थिंग आर अवेटिंग, एंड आप उसको समझिए। मैं ऑन दिस ओकेजन आई मस्ट पे आवर रिगार्ड्स एंड से बिग थैंक्स टू देम फॉर प्रोवाइडिंग ए क्रिटिकल स्किल्स प्रोजेक्ट इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। दे विल स्पेंड मोर देन 1.82 मिलियन यूएस डॉलर बाई नेक्स्ट 1.5 ईयर, बाई मिड ऑफ द 2024। दे विल स्पेसिफिकली विल डेवलप न्यू कैरिकुलम, न्यू कोर्सेस। मैं जैसे आपको उदाहरण दूं, भारत में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत सरकार बहुत महत्व देती है। नैनो यूरिया आ गया, ड्रोन आ गया एग्रीकल्चर में, ऐसे अनेक सारा चीज, शीतल भंडार की, रेफ्रिजरेशन की एक नया वैल्यू चेन इमर्ज कर रहा है। ये सारे इलाका में ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके हम काम करेंगे, भारत में ही काम करेंगे। मैं उस स्कॉलरशिप के लिए, उस बजेटरी एलोकेशन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए, मैं उनको भारत की ओर से आभार प्रकट करता हूं। देखिए, हमारी, मैं जब पिछले बार अगस्त में गया था, उस समय में भारत में पढ़ने वाले बच्चों की डिग्री ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले बच्चों की डिग्री भारत की इकोसिस्टम पे एक्सेप्ट हो, सिर्फ हायर एजुकेशन में नहीं, वोकेशनल एंड स्किल इंस्टीट्यूशंस में भी। ऑस्ट्रेलिया की वोकेशनल एजुकेशन अपने आप एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, टीवेट उनकी एक बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। इसमें भारत की टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की यानी लोअर स्किल्स इंस्टीट्यूशंस की, लाइक आईआईटी, पीएमकेके, अदर सच इंस्टीट्यूशंस डिग्री भी म्यूचुअली एग्रीड हो, ये चर्चा शुरू हुई है। आज जो हमारी एमओयू हुई है, इसमें हम लगभग सभी विषयों में म्यूचुअल रिकॉग्निशन के लिए एग्री कर गए। जैसे अभी आपने, आपके सामने एक एमओयू साइन हुआ, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ग्रुप एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, यह सब उसी दिशा में म्यूचुअल रिकॉग्निशन के लिए बहुत बड़ी कदम है।